उत्तर प्रदेश के रायबरेली में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने बछरावा में एक जनसभा को संबोधित किया। भाजपा प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह को जिताने की अपील की। अनुप्रिया पटेल ने कहा कि एनडीए गठबंधन से दिनेश प्रताप सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। उनका दल के सभी कार्यकर्ता मिलकर दिनेश प्रताप सिंह को चुनाव जिताने का काम करेंगे। भूपेश बघेल ने उस बयान पर कि राहुल गांधी को एक सांसद के रूप में नहीं बल्कि एक प्रधानमंत्री के रूप में जनता चुनने जा रही है, आप लोग बताइए। इस पर अनुप्रिया पटेल ने कहा कि ब्रह्म का कोई इलाज नहीं होता। आज देश के अंदर एनडीए गठबंधन की बयार बह रही है। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हैट्रिक लगाने का मन देश की जनता ने बना लिया है। तीसरी बार फिर हमारी सरकार बनने जा रही है। 4 जून को हमारी सरकार बनने जा रही है। उस दिन सभी का भ्रम टूट जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। के साथ उनके साथ खड़ा है और आने वाली 20 मई को कमल का बटन दबाकर रायबरेली की जनता, यहां का मतदाता और अपना दल का एक एक कार्यकर्ता उन्हें रिकॉर्ड मतों से जिताकर देश की संसद में भेजने का काम करेगा। मैम एक क्वेश्चन, भूपेश बघेल जी ने कहा है कि राहुल गांधी को स्वर्गीय इंदिरा गांधी को एड्रेस देकर के पब्लिक यहां से प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। देखिए, भ्रम का कोई इलाज नहीं होता है। आज देश के अंदर एनडीए गठबंधन की बयार बह रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार की हैट्रिक लगाने का मन देश और प्रदेश के मतदाता ने बना लिया है और तीसरी बार फिर से हमारी सरकार बनने जा रही है। 4 जून को जब परिणाम आएंगे तो सभी का भ्रम टूट जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। स्टार्ट करो। अध्यक्ष जी परिचय दीजिए। मैं जिला अध्यक्ष कुंवर सत्येंद्र पटेल, अपना दल एस रायबरेली। क्या कार्यक्रम हुआ था आज? एनडीए के गठबंधन के प्रत्याशी भाई दिनेश प्रताप सिंह का आज हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन अनुप्रिया पटेल जी का कार्यक्रम लगा हुआ था। हम भारी मत के साथ, काफ़ी भीड़ के साथ, 10 से 12 हज़ार हमारी टीम के सदस्य और कमेटी के सदस्य, हमारी पूरी कमेटी, पूरे वहाँ गठबंधन के प्रत्याशी भी थे यहाँ पर, और भाजपा के भी कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी थे। यहाँ मीटिंग हुई। जनता का यही रूप जो जो रायबरेली में जो निस्वार्थ भाव से काम कर रहा है, जो जनता के बीच में रहता है, उसी को वोट दीजिए। हमारे गठबंधन प्रत्याशी भाई दिनेश प्रताप सिंह को वोट दीजिए। यही देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।